तो भाई लोग कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में हाल फिलहाल रिलीज हुई अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म। टाइटल आपने सुनी लिया हुआ बॉब विश्वास, और इसका कंपैरिजन करेंगे दी बिग बॉल से, जो कि आई थी गाइस 2022 में। कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं, दोनों ही फिल्में अभिषेक बच्चन की हैं और OTT पर रिलीज हुई हैं, और ये लास्ट फिल्म भी है अभिषेक के करियर की अभी तक। तो वेल आपको बता दूँ, बॉब विश्वास जो कि रिलीज हुई है कल यानी कि 3 तारीख को जाने वाने OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। अगर कंपेयर करें तो आपको बता दूँ G5 के पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं जितने कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हैं, शायद आधे भी ना हो। यही कारण है कि कलेक्शन में थोड़ा सा ड्रॉप है हमारे पास बॉब विश्वास के, जिसे कि डायरेक्शन दी दिया अनुपमा घोष ने, और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के अपोजिट फीमेल लीड में नजर आई चित्रांगदा सिंह। आपको बता दूँ जो कलेक्शन आ रहा है फिल्म का फर्स्ट डे का, वो है तकरीबन 5 करोड़ के आसपास, जो कि गाइस देखा जाए तो सब्सक्राइबर्स के हिसाब से ठीक ठाक है। और वहीं आपको बता दूँ इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स ने, यानी कि शाहरुख खान ने। शाहरुख खान का बैनर जुड़ा हुआ है इस फिल्म से, बावजूद इसके ये फिल्म बस अपने पहले दिन 5 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब हुई, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक है, और उसका बजट वहीं 30 करोड़ रुपये है। वहीं बात करें अब लिस्ट की दूसरी फिल्म, जो कि गाइस कंपेयर करेंगे जिसका कि बिग बॉस से नहीं यार, बॉस विश्वास से। वेल आपको बता दूँ जो दूसरी फिल्म है वो है दी बिग बुल। बिग बुल गाइस आपने नाम तो सुना ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक करियर की ना अभिषेक बच्चन के सबसे बढ़िया और बेस्ट फिल्म बताई गई थी, जिससे कि उनकी जमकर तारीफ की गई। अभी तो बॉब विश्वास स्टार्ट हुई है तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यार बिग बुल ने बहुत कुछ किया अभिषेक बच्चन के लिए। और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के अलावा फीमेल लीड में देखी गई निकिता दत्ता और दर्शना बानिक। प्रोड्यूस किया था खुद बोलते हैं ना शाहरुख खान ने, नहीं अजय देवगन ने इस फिल्म को। तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी चली थी, जिसे डायरेक्शन दी थी कुकी गुलाटी ने, और ये फिल्म आज भी ज़्यादा पसंद की जा रही है कंपैरिजन टू बॉब विश्वास। अभी बॉब विश्वास रिलीज़ हुई है तो कुछ कह नहीं सकते। और आपको बता दूँ दी बिग बुल ने उस वक्त कलेक्शन किया था अपने पहले दिन 15 करोड़ का, यानी कि बॉब विश्वास के कंपैरिजन में 3 टाइम्स बेटर।